फेयरिंग के ऊपर आते हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, आपको लकीर दिख रही होगी जो फेयरिंग के ऊपर स्टिकर आते हैं, KTM ड्यूक लिखा होता है जिनके ऊपर, उनको हमने नहीं हटाया ताकि इन फ्यूचर अगर उतारना भी पड़े तो हम इसको उतार देंगे और जो KTM के स्टिकर नीचे से निकलेंगे बिल्कुल ओरिजिनल वाले निकलेंगे। तो पूरा यहाँ पे ब्लैक रैप किया हुआ है और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई ये मेरी हेडलाइट के अंदर बबल आना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे यहाँ से ये कि भाई एक मैं मोटा मोटा आपको खर्चा बता देता हूँ कि इसके ऊपर मेरा मोटा मोटा कितना खर्चा हो गया। हे गाइस, व्हाट्सअप, इट्स मी शीलन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना एक बहुत सारा धमाका होने वाला है। धमाका ये होने वाला है कि भाई बहुत सारे भाई की रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे भाई ने ये बोला था कि यार अपनी जो ड्यूक है उसको मॉडिफाई करवाओ। इतने सारे लोगों ने ये भी बोला था कि आप ये वाले कलर का उसको मॉडिफाई करवाओ या इस तरह से ये चीजें उसके ऊपर मॉडिफाई करवाओ। भाई वो सारी आपके भाई ने करवा ली है, कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरे को लगता है कि फर्स्ट इन जम्मू होने वाली है। फर्स्ट इन जम्मू, अब गलत कमेंट कोई नहीं करना, नहीं ये चीज बोली है फर्स्ट इन जम्मू। भाई सबसे पहले तो आप सिनेमैटिक एंजॉय करो और उसके बाद में बताता हूँ आपको कि मैंने इसके ऊपर क्या करवाया, मेरा कितना खर्चा हुआ है, सारा मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चिर बली मिंट लगदा नी खोल दे सिर बली जितनी तू दुनिया मेरे कहते तेन दिल भेजना और पहलिया दे आईफोन रखिया दूजिया नहीं रखिया ब्लैक बेरी आने दिता सोनिए जदों जी तो गाइज होप कि आपको सिनेमैटिक अच्छे लगे होंगे। और भाई मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग से इस गाड़ी के ऊपर क्या क्या काम हुआ हुआ है, क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन करवाई और क्या इस पे रैप हुआ, किस तरह से हुआ, क्या मैंने इस पे लिखवाया है, ये सब अभी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो गाइज फ्रंट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको फ्रंट में दिख रहा है ये भाई जो रिम है ये पहले ऑरेंज था जैसे कि KTM का आता है तो उसको मैंने चेंज करवा के येलो करवा दिया। देन उसके बाद फ्रंट मड गार्ड के ऊपर भाई इसको येलो कलर से कुछ ड्रैगन वाली शेप दी गई है, मतलब डिज़ाइन बनाया गया हुआ है सेम एज इट इज़ इस साइड भी है। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं भाई हेडलाइट पे, तो हेडलाइट को पूरा यहाँ पे ब्लैक रैप किया हुआ है और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई ये मेरी हेडलाइट के अंदर बबल आना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे यहाँ से ये उखड़ रही है। तो जिस भाई से मैंने ये काम करवाया था भाई उसको मैंने बोल दिया कॉल करके, उसने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं ले आना गाड़ी दोबारा से, वो चेंज कर देगा इस चीज़ को, पूरा रैप करेगा दोबारा से। और इसके अंदर ये जो येलो वाला पार्ट है ना ये मतलब एज ए आई के तौर पे इसको लगाया गया हुआ है, बट मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। आपको कैसी लग रही है ये कमेंट में बताना एक बार। तो मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं इसको हटा दूंगा, इसको पूरा मैं स्मोकी रैप करवा दूंगा, ये तो ज़्यादा डार्क है, इसको डार्क नहीं करवाना, इसको लाइट जो स्मोकी आता है वो करवाएंगे और ये चीज़ हट जाएगी भाई अपनी। उसके ऊपर भाई ये अपनी आती है HJG की जो लाइट्स हमने पहले से लगा रखी हैं, इसके अंदर दो मोड हैं तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखो एक मोड भाई येलो है और दूसरा वाइट, दो मोड इसके अंदर आते हैं। और अगर मैं इसको येलो पे रखता हूँ ना तो भाई जो गाड़ी की लुक लगती है ना इस टाइम, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत ही अलग तरीके से थोड़ी सी लुक लग पाती है। अब चलते हैं भाई फेयरिंग वाली साइड। तो फेयरिंग वाली साइड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई ये जो नाम लिखा हुआ यहाँ पे वैनम, वैनम मेरे दिमाग में नहीं था और ये मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इस पे ऊपर वैनम लिखवाऊँ। एक्चुअली मैं जिस भाई के पास ये गाड़ी लगा के गया था जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है ये उन्होंने खुद से लिखा हुआ है और मैंने उनको बोला भी था कि ये एक्चुअली मतलब मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा वैनम के लिए, तो बट उन्होंने लिख दिया अपनी मर्ज़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी मैंने बात करके रखी हुई है, होप्स होगी हम इसको चेंज करवाएंगे, जो मेरे माइंड में चल रहा है वो मैं डलवाऊँगा। लेकिन वो चीज़ लगाने के लिए भाई मुझे ना X3 किट लगानी पड़ेगी और X3 किट का आपको पता है कि यार और थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी है, कोई दिक्कत नहीं 2-3 महीने के बाद मैं ये चेंज करवा दूंगा वैनम। और X3 किट लगाने के बाद जो इसका मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ है या जो मैंने उसको डिज़ाइन दिया था वो लग जाएगा। सो एनीवेज गाइस सेम इस साइड भी वैनम है और
इस साइड भी वैनम है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा भाई, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये मेरी डैमेज हो गई थी, आपको पता है मेरे से बाइक गिर गई थी दोते टाइम, तो ये डैमेज हुई थी। उसके बाद उन्होंने खोल के पूरा इसके ऊपर रैप कर दिया, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब कि दिख नहीं रही कि डैमेज है या नहीं है। तो कुछ इस तरह से भाई वैनम के साथ अपनी बाइक की लुक आ रही है। एक मैं फुल व्यू देता हूँ आपको, ये चेक करो, ये भाई फुल व्यू है। और नीचे जो इसका भाई कवर है, एग्जॉस्ट कवर, एग्जॉस्ट कवर के ऊपर भी हमने येलो वाला पार्ट करवाया हुआ है दोनों साइड से, और आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं भाई हम अपनी पीछे वाली चेसी के ऊपर, जो हमारी चेसी ऑरेंज कलर की थी उसको पूरा हमने येलो कर दिया। यहाँ पे जो KTM के स्टिकर लगे हुए थे उसको उखाड़ के हमने येलो रैप कर दिया, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं किया, ये सारी चीज़ें हुई हैं। एंड गाइस यहाँ पे भी अपने जो स्टिकर लगे हुए थे उन स्टिकर को हटा के हमने लगा दिया इसके ऊपर येलो रैप, और यहाँ पे KTM का स्टिकर वगैरह लगा हुआ था वो हट चुका है। और एक चीज़ मैं बताऊँगा गाइस, जो छोटे छोटे KTM के स्टिकर थे सिर्फ वही वाले हमने हटाए हैं, ठीक है। और अदर जो फेयरिंग के ऊपर आते हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको लकीर दिख रही होगी, जो फेयरिंग के ऊपर स्टिकर आते हैं KTM ड्यूक लिखा होता है जिनके ऊपर, उनको हमने नहीं हटाया, ताकि इन फ्यूचर अगर उतारना भी पड़े तो हम इसको उतार देंगे और जो KTM के स्टिकर नीचे से निकलेंगे बिल्कुल ओरिजिनल वाले निकलेंगे। ये कुछ सारी चीज़ें हुई। जो रियर रिम है वो ऑरेंज था, उसको हमने करवा दिया ब्लैक की, ब्लैक और येलो का ही कॉम्बिनेशन जो सही बैठ रहा था, तो वो हमने पूरा कर दिया, इसको सेट कर दिया। अभी का कुछ ऐसा है कि भाई देखेंगे इन फ्यूचर अगर इसके ऊपर एग्जॉस्ट वगैरह का प्लान बनेगा तो एग्जॉस्ट लगाएंगे। अगर एग्जॉस्ट मैं ढूंढ रहा हूँ यार कि मेरे को एक्रापॉवी का एग्जॉस्ट मिल जाए जो DV किलर के साथ आता है, तो वो लग जाएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा, साउंड वगैरह गाड़ी की अच्छी हो जाएगी। तो गाइज मॉडिफिकेशन वाले पार्ट में इतना ही था, बाकी इसका डीप जो मैं बताऊंगा आपको कि भाई एक मैं मोटा मोटा आपको खर्चा बता देता हूँ कि इसके ऊपर मेरा मोटा मोटा कितना खर्चा हो गया। सीधा सीधा तो भाई 2500 के मेरे ये अलॉय वगैरह पेंट हुए हैं, और भाई बंदे ने जिसने रैप किया उसने 3500 तो उसने ले लिया, तो अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपये मेरा खर्चा हो चुका है इस पूरी मॉडिफिकेशन के ऊपर। देखते हैं जब तक चलेगा भाई, जब तक सही लगेगा तब तक चलाएंगे, और उसके बाद अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे। यार मैं इसमें ना नियॉन भी करवा सकता था, क्योंकि मेरे को पहले यही था कि नियॉन वगैरह हो जाए इसके ऊपर, बट मैंने ये चीज़ देखी कि यार नियॉन ऑलरेडी हमारे जम्मू के अंदर 2-3 लोगों के पास है, तो कुछ ऐसा करना कि भाई जो किसी के पास ना हो, तभी ही मैंने ये वाला कलर चूज़ किया और ये वाला कलर सेलेक्ट किया, भाई इसको मैंने येलो कलर करवा दिया। होप कि यार गाइज आपको ये मॉडिफिकेशन अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो। तो गाइज चलो चलते हैं अभी, इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।